हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ। दोस्तों FY BCOM सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर नंबर 4 लीजिंग, आज इस लेक्चर में आप लोगों को इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे के सारे आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। दोस्तों किस तरह के सम आते हैं, क्या वर्किंग नोट पे सारा गेम है, मैं सब आपको बताऊंगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सारा मतलब जितना भी मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा लेक्चर देखिए, एंड तक देखिए। ट्रस्ट मी, इतना लेक्चर अगर आप एग्जाम से पहले भी देख लेते हो 1.5 की स्पीड पे या 2 की स्पीड पे तो भी आपको मोटे मोटे तौर पे सारी आइडिया आ जाएगी और समझ जाएगा कि चैप्टर है क्या। थियोरी ऑलरेडी मैंने बना दी है, इस चैप्टर की थियोरी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिया, बट बहुत बार आई नो कि बच्चों को थियोरी में इंटरेस्ट नहीं होता, बोलते सर टू द पॉइंट बात करो और खत्म करो करके। सो टू द पॉइंट वाली बात अब आ गई है आपके सामने। दोस्तों हम लोग इलस्ट्रेशन 1 डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। पहला सेशन ये जिसमें मैं आपको वर्किंग नोट बताऊंगा। हो सकता है जिन बच्चों को वर्किंग नोट आ रही है कोई दिक्कत नहीं भाई, आप ये लेक्चर यहाँ से मतलब अगर आपको आ ही रहा है तो जनरल एंट्री वाला जो लेक्चर है मैं सेकंड या थर्ड लेक्चर बनाऊंगा और 2 से 3 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, करके आप आराम से इसे जस्टिस दे सकते हो। राइट दोस्तों, चलो अब सर समझते हैं कि ये सम आएगा कैसे। बेटा याद रखना यह आपका क्वेश्चन यहां से चालू होता है। मैंने लीजिंग बता दिया सर, रेंट जैसा ही ये विषय है, रेंट और रॉयल्टी में क्या फर्क है ये भी समझा दिया है, तो कंसेप्चुअल बातें करनी थी मैंने कर ली है। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट दे दूं आपको कि यहाँ पे मैं वो बातें करूंगा जो कोई भी बच्चा है वीडियो देखे, टू द पॉइंट क्या वर्किंग नोट है और जनरल एंट्री कैसे करनी है विदाउट एनी बैकग्राउंड, उसको समझना चाहिए, समझ जाएगा सर। ध्यान दो, A limited to from B limited a lease of coal field for a period of 10 years from 1st January 2015 on the following terms. तो एक बंदा है A limited, उन्होंने क्या किया है सर B limited से लीज पे एक कोल फील्ड ली हुई है 10 साल के लिए, और कब से ली सर 1 जनवरी 2015 से। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए। पहला टर्म्स क्या है सर कि टू पे मिनिमम रेंट 12,000 पर एनम। दोस्तों ये कुछ ऐसी बात है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सम का कि आपको हर सम में लीजिंग के मिनिमम रेंट का अमाउंट दिया ही रहेगा। मेक श्योर मैं क्या कह रहा हूं, हर क्वेश्चन में मिनिमम रेंट का अमाउंट दिया ही रहेगा, कैसे उसे सॉल्व करना है देखेंगे। फिर ये वाला पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ईच ईयर ऑफ एक्सेस मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी रिकवर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज ओनली। ये क्या है सर, ये मैं आपको वर्किंग नोट करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हर सम में इसका भी इंपॉर्टेंस होता है, बट आप जब प्रैक्टिकल समझोगे तो इसको समझ पाओगे, मतलब सम के वर्किंग नोट को समझोगे। रॉयल्टी इज टू बी कैलकुलेटेड ₹10 पर टन, 10 रुपया पर टन मिलने वाला, ये रॉयल्टी की बात होगी। और सर कोल रेज इन द फर्स्ट 5 ईयर एज फॉलो, एक बार रीड करो चलो फटाफट क्या दिया है क्विक। ओके पढ़ लिया दोस्तों, अब क्या कहा है देखो, 2015 में उन्होंने कहा कि हमने 500 टन का आउटपुट लिया था, 2016 में 1000 टन का आउटपुट प्रोड्यूस किया था, 2017, 18, 19 और रेस्पेक्टिव उनके आउटपुट दिए हुए हैं। और आपको सवाल क्या पूछा जाएगा, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबो ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, मतलब लेसी। दोस्तों एक बात याद रखना, एक टर्म आपको बता रहा हूं, ये जो टर्म है सर क्या बोला उन्होंने, लेसी, और एक टर्म है लेसर, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे जाएंगे। आप 1.5 के स्पीड पे देख रहे होगे तो ऐसे भी आप बहुत ही अच्छी स्पीड पे देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लो सर इस भाई साहब ने क्या किया था, इस बंदे से लीज पे ली थी जो भी कोल्ड फील्ड है, तो लीज पे देने वाला मतलब हम बोलते हैं ना लैंडलॉर्ड, जो रेंट के अग्रीमेंट में हम देखते हैं, तो जो बंदा लीज पे चीज देता है उसे लेसर कहा जाता है, और जो लीज पे ले रहा है उसे क्या कहा जाएगा, लेसी। तो एवरी ईयर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीज पे करने की, ए की, और ए किसे देगा, बी को देगा। इतना याद रखना, जनरल एंट्री में आपको काम में आएगा, लेकिन आज के सेशन में जनरल एंट्री तो नहीं सीख रहे, लेकिन वर्किंग नोट जो आपके जनरल एंट्री का बेस है वो हम सीख रहे करके, तो पूरा ध्यान देना करके, ठीक है बेटा। तो ये सम आपका खत्म हुआ। अब सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा जहां पे मिनिमम रेंट की बात कही गई थी, आप रिकवर कर सकते हो लास्ट 5 ईयर, ये एक बात थी, और रॉयल्टी पर टन कितना मिलेगा ये भी आपने कह दिया था। दोस्तों मेरे भाई और बहनों, ये आपको वर्किंग नोट का टेबल दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड मतलब लेसी, वर्किंग टेबल और कुछ ईयर आउटपुट रॉयल्टी मिनिमम रेंट, ये कुछ कॉलम दिख रहा है। अब मेरा काम क्या है इस लेक्चर में, आपको हर एक चीज बताना है, लेकिन कंडीशन है कि आप नोटबुक लेके बैठो,
आपका निराली पब्लिकेशन जो भी टेक्स्ट बुक है वो निकाल के बैठो और जो मैं कह रहा हूँ वो सिस्टमैटिक तरीके से लिख लो, क्योंकि आपको शॉर्ट वर्किंग का टेबल समझना है और अमाउंट पेएबल, ये दो टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन से? शॉर्ट वर्किंग और अमाउंट पेएबल। स्क्रीन पे दिख रहा है आप सबको, बोलो यस और नो। ये दो टेबल और ये सारे अमाउंट कैसे आए हैं ये मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे मैं सेम टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना और मेरे साथ चलो आप भी ड्रॉ कर लो फटाफट। सर पहला कॉलम क्या आएगा? ईयर का। चलो आप भी ड्रॉ करो फटाफट, बुक निकालो, ईयर का। दूसरा कॉलम क्या आएगा सर? आउटपुट, कितना आपका आउटपुट हुआ है। तीसरा कॉलम आउटपुट के बेस पे ही रॉयल्टी होगी और आपके पास कैलकुलेटर भी चाहिए, अगर कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर अलाउड है। आपको पता है दोस्तों कुछ कुछ ऐसे दो भाई है, भाई और बहन है कि जो कैलकुलेटर के दूर दूर तक लेन देना नहीं उनको बेटा, फिर एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेटर यूज टू होता ही नहीं, कहाँ पे कौन सा बटन है ढूंढना पड़ता है करके। तो ईयर कॉलम निकालो, आउटपुट कॉलम। थर्ड कॉलम आएगा बेटा आपका रॉयल्टी का, मैंने दूसरा कलर यूज किया देखो। अभी रॉयल्टी आपको निकालना है, ये वाला चीज पर टन अमाउंट दिया था 10 रुपया, याद आ रहा है? मैं सम दिखाऊंगा, टेंशन मत। फिर आपका और एक कॉलम बनेगा बेटा मिनिमम रेंट का, कौन सा? मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट। चलो फिर सर और एक चीज आएगी, तीन कॉलम हो, चार कॉलम हो गए, देखो नोटबुक में और नोटबुक में लिखना आपको शॉर्ट वर्किंग। और शॉर्ट वर्किंग में तीन बातें आएगी सर, कौन सी तीन बातें आएगी बेटा? एक सफर्ड, एक रिकवर्ड। अब ये क्या है सर बताऊंगा मैं, लेक्चर देखिए आपको समझ जाएगा। पहला सम अच्छे से करो और वर्किंग नोट पे पूरा गेम। यही चीज सफर्ड, रिकवर्ड, रिटर्न ऑफ है ना, इससे तुमको जनरल एंट्री में अमाउंट लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो टेबल समझो बेटा, मैं 2-3 सेशन भले इन टेबल्स पे ही बनाऊ, सारे सम के टेबल अगर एक बार आपको समझ गए ना तो बस वर्क, मतलब जनरल एंट्री आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। और मैं ट्राई करूंगा कि पहला ही टेबल बना के आज के सेशन में टेबल भी बताओ और उसके जनरल एंट्री भी बता दू, तो एक एक साथ हर एक सम इलस्ट्रेशन एक एक लेके मैं आगे बढ़ूंगा और सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर दूंगा। सो अपने सारे दोस्तों तक हो सके तो ये शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है दोस्तों? यस। और रिटर्न ऑफ और लास्ट कॉलम बेटा रहेगा आपका, लास्ट कॉलम रहेगा क्या? अमाउंट पेएबल का, कि कितना रॉयल्टी एक्चुअली देना है, अमाउंट पेएबल, ठीक है? इतना अगर आपने लिख लिया बेटा अमाउंट पेएबल, तो अब आपके कितने कॉलम हो गए जरा गिन लेना, ओके? और बहुत सिंपल है, आप लोगों ने अगर आप कॉलम बना ही रहे हो और मेरी बातें सुन ही रहे हो तो अच्छी बात है। ईयर कॉलम, आउटपुट कॉलम, रॉयल्टी कॉलम, मिनिमम रेंट का एक कॉलम, उसके बाद सर तीन छोटे छोटे कॉलम आएंगे, सफर्ड, रिकवर्ड और रिटर्न ऑफ। यस बेटा, यस और नो? यस सर करके। और लास्ट कॉलम आएगा सर अमाउंट पेएबल का। अगर मेरे भाइयों और बहनों आपने ये ड्रॉ कर लिया है तो आगे बढ़ो, अकाउंट का लेक्चर है, थियरी नहीं है, तो सिर्फ देखो मत, सॉल्व भी आपको करना है, एवरीवन सॉल्व भी आपको करना है। चलो सम पे आओ सर, कितने साल दिए थे? अभी यहां से आप लोगों का बहुत ज्यादा अटेंशन बढ़ जाना चाहिए सर, कुछ बातें बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना सर। कितने साल दिए थे सर आपको? 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 आपको सर कितने साल दिए? यहाँ पे 5 साल दिए हुए, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। आउटपुट दिया है टर्न में 500,000 और 500-500 से बढ़ा है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले मैं लिख लेता हूं सर। ईयर 2015 से लेके क्या था? 2015 से लेके क्या था? 2019। तो सर मैं यहां पे लिखता हूं ईयर 2015 2016, सब लिख लो एक साथ, 2017, 2018 और 2019। आपने ईयर के कॉलम में सारे साल लिख लिए, अब आउटपुट कॉलम देखते हैं। आउटपुट में ये भी गिवन रहेगा सर क्वेश्चन में? यस बेटा, आउटपुट भी गिवन रहेगा, नहीं तो बहुत बार वो डायरेक्ट रॉयल्टी देते, इस चीज को ध्यान में रखना। इस सब में आपको आउटपुट दिया है और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या कहा हुआ है? रॉयल्टी क्या है? 10 रुपीज पर टन, इसलिए हमने रॉयल्टी का अलग से कॉलम निकाला। तो आउटपुट कितना है पहले वो लिख लो चलो फटाफट। 2015 में कितना आउटपुट दिया है भाई क्वेश्चन में? 500 रुपया। कितना आउटपुट दिया है सर? 500 टर्न्स। ओके, 2015 में 500 टर्न है, 2016 में क्या है सर? 1000 टर्न। 2017 में 1500 टर्न। 2018 में 2000 टर्न। 2019 में 2500 टर्न्स।
आउटपुट लिख दिया टर्म्स में, यस अब रॉयल्टी, ये जो मैंने आपको पिंक कलर में लिखा हुआ है, कितना रॉयल्टी रुपीज, 10 रुपीज पर टन आपको दिया हुआ, और यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है 2015 में कितना आउटपुट हुआ, 500, तो रॉयल्टी कितना होगा, 500 × 10, तो बताओ कितना रॉयल्टी हो जाएगा सर, 5000, 2016 में 1000 × 10 कितना रॉयल्टी हो जाएगा, 10000, 2017 में 1500 × 10 कितना हो जाएगा सर रॉयल्टी का अमाउंट, 15000, 2018 में 2000 × 10 कितना अमाउंट हो जाएगा, 20000, 2019 में 2500 × 10 तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 25000। तो क्या आपको रॉयल्टी का टेबल समझा बेटा कैसे बनाया मैंने, क्वेश्चन में क्या दिया था कि टन के हिसाब से 10 रुपया पर टन रॉयल्टी रहेगा, तो कितना रॉयल्टी आ गया मेरा, ये वाला कॉलम बन गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। सर मिनिमम रेंट का क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है हर साल आपका टर्म एंड कंडीशन में क्या था, आपको कितना भी रॉयल्टी मिले, ए को कितना भी वो कमाए, लेकिन बी लिमिटेड को तो मिनिमम कितना देना है, 12000, और वो एक शब्द में यूज कर रहा हूं मिनिमम, आपको 12000 तो देना ही देना होगा सर, कहां पे लिखा है, ये रहा पहला ही कंडीशन था, 12000 देना है, तो मिनिमम रेंट के कॉलम में सर और मैडम हम लोग क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि मिनिमम हर साल हमको 12000 तो देना ही है, कुछ भी हो जाए 12000 तो देना ही है, आप कितना भी सर कुछ भी कमाओ हमको 12000 तो देना ही, इसे कहते हैं मिनिमम रेंट, हर कॉलम में सेम लिख देना है। क्या आपको ये समझा मिनिमम रेंट तक, 4 कॉलम हो गए सर, इसमें से हमारी मेहनत कौन से कॉलम में थी, सिर्फ तीसरे कॉलम में रॉयल्टी के, और मेहनत भी क्या बोले, 10 रुपए से मल्टीप्लाई करना था, बाकी सब तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। अब ये होने के बाद सर आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टेबल आ रहा है, दैट इज सफर्ड रिकवर्ड रिटर्न ऑफ और पेएबल, और अब आप इस चीज को समझना बेटा, अब यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो जाता है, वर्किंग टेबल वर्किंग नोट का, अगर वर्किंग नोट आई तो जनरल एंट्री अपने आप आ जाएगी मेरे दोस्तों। अब ध्यान से देखना, मिनिमम कितना पैसा देना है पी लिमिटेड को, 12000, और आपको समझे वैसी लैंग्वेज में बता रहा हूं, मिनिमम 12000 देना है बराबर। आपने कितना रॉयल्टी अर्न किया, 5000। अब सर 5000 कमाया, इस लैंग्वेज से समझो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा, क्योंकि मुझे आप तक कंसेप्ट पहुंचाना है, 5000 कमाया और 12000 देना है ना। अब यहां पे देखो सर, कहां नहीं देखो सर, ये बंदा है ना, इसको देना है लाइबिलिटी 12000 और कहीं से आ रहा है सिर्फ 5000, तो ये 7000 तो एक्स्ट्रा कहीं से एग्जिस्ट करना पड़ गया, तो 7000 एक्स्ट्रा देना पड़ गया, तो ये सफर्ड में जाएगा सर। क्या हुआ, मिनिमम कितना देना है 12, लेकिन रॉयल्टी के तौर पे आया कितना सर बताओ, तो 5000 आया, तो 12000 देना है, 5000 ही आया, तो मुझे कितने का लॉस लफड़ा हो जाएगा सर, लॉस हो जाएगा, तो करो 12000 देने हैं माइनस आपके पास तो रॉयल्टी कितने अर्न हुए सर, 5000, तो 5000 के तौर पे रॉयल्टी के हिसाब से आया, तो 7000 तो आपका कौन से कॉलम में आएगा, सफर्ड कॉलम में आपका ये 7000 रुपये अमाउंट आ जाएगा। समझा बेटा ये 7000 कैसे आया, ये 7000 जिनको नहीं समझा, ये मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर रहा हूँ, देखो ये स्टार मार्क कर रहा हूँ और स्टार मार्क का वर्किंग यहाँ पे दे रहा हूँ, ये 7000 कैसे आया सर, मिनिमम आपको मतलब देना था, आपके पास आया 5000 रॉयल्टी, और रॉयल्टी पहले लिख रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लिख लो सर, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ये अपने ने बनाया अभी रैंडमली बना दिया, तो मिनिमम रेंट कितना देना था 12000, तो मुझे बताओ आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव 7000, 5000 तो आए थे, 7000 ज्यादा देने, तो ये मिनिमम आपने ये क्या कर लिया, नेगेटिव मतलब सफर, 7000 आपका सफर नहीं है। रिकवर में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं आएगा, रिटर्न ऑफ में कुछ नहीं आएगा सर, पेएबल में कितना आएगा, आप कुछ कमाओ या ना कमाओ, लेकिन आपको मिनिमम तो कितना देना पड़ेगा भाई, 12000 देना ही पड़ेगा, पहला कॉलम डन हो गया। क्या किया सर पहले कॉलम में, पहले मतलब लास्ट कॉलम में क्या किया, अमाउंट पेएबल में, अमाउंट पेएबल मैंने ये लिखा कि सर आपका कुछ भी कम हो, आपको सफर हो गया ना, 7000 आप सफर करो, सफर करो मतलब लॉस करो, मेरे को पता नहीं मेरे को मिनिमम कितना चाहिए, 12000 तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए लास्ट कॉलम में कितना अमाउंट आ गया, 12000 तो देना ही पड़ेगा। पहला साल 2015 का वर्किंग नोट खत्म। 2016 में जाते सर, 2016 में कितना रॉयल्टी आपने कमाया था बताओ, 10000, आपको मिनिमम रेंट कितना देना है सर, 12000, बेटा कितने का यहाँ पे लॉस सफर हो जाएगा बोलो, 10 आया 12 देना है, 2000 सफर की रिकवर्ड, सफर 2000 कम पड़ रहे ना, तो 2000 हम कौन से कॉलम में लिख देंगे, सफर। समझा ना कैसे निकाला ये,
10,000 माइनस 12,000, ये देख लो और आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम ही आ रहा है, रिकवर्ड में कुछ नहीं, रिटर्न ऑफ में कुछ नहीं। तो मिनिमम तो कितना देना है सर, आप कुछ भी कमाओ 12,000 तो मिनिमम देना ही है, कोई दिक्कत नहीं करके 12,000 तो देना ही है, ठीक है। यस सर, 12,000 देना है। चलो थर्ड ईयर में जाते, 2017 में बेटा, और ये लिखते जाओ कितना आपने रॉयल्टी अर्न किया था, 15,000, देना कितना है 12,000। वाह 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 सर, क्या बात है, 12,000 देना है सर। और यहाँ पे पहला साल है जहां पे मेरे पास रॉयल्टी ज्यादा आई है, कितना अमाउंट ज्यादा आया, 3,000 रुपए ज्यादा आया सर, देना कितना था 12, आए कितने 15, 3,000 सर, मजा हो गया। लेकिन रुको, वहां पे आपको ये वाला लाइन में बताता हूं सर, ये जो मैंने बताया था ना कि ईच ईयर एक्सेस मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी, सर जो आपने एक्सेस कमाया है, आपको मिनिमम रेंट 12 देना था, रॉयल्टी आ गया 15, कितना एक्सेस कमाया 3,000, कवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कैन बी रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। रिकवर्ड मतलब क्या, जो लॉस आपको हुआ था ना 7 और 2 का, अगर जिस दिन आपको प्रॉफिट हो गया तो मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप पहले अपना लॉस रिकवर कर लो। और ये कितने का एक्सेस अमाउंट बच गया सर, एक्सेस अमाउंट बच गया 12 में से सर, कितना अमाउंट गया 15,000, तो 3,000 एक्सेस बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी लॉस तो हुआ नहीं, लेकिन ये 7,000 में से हम लोग 3,000 जो एक्स्ट्रा बचा था वो क्या कर लेंगे, रिकवर्ड कर लेंगे, इसलिए 3,000 यहाँ पे गया सर। वापस बताओ ना क्या हुआ, सर आपने रॉयल्टी कमाया 15,000 रुपया, आपको मिनिमम रेंट देना था 12,000 रुपया, तो कितना एक्सेस बचा आपके पास 3,000 रुपया। और उन्होंने क्या कहा कि जो लॉस हो चुका था वो आप क्या कर सकते हो, आप वो रिकवर्ड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिकवर्ड कर सकते हो। इसीलिए बचा तो 3,000 था, एक्चुअली लॉस तो 7,000 का दिख रहा है, उसके बाद 2,000, तो टोटल 9,000 का लॉस दिख रहा है, लेकिन एक्सेस कितना बचा है 3, तो 3 क्या कर लूंगा, रिकवर्ड। तो इसलिए रिकवर्ड कॉलम में है, रिटर्न ऑफ में कुछ नहीं जाएगा। और सर 15 में से 3 तो रिकवर हो गए, तो मिनिमम अभी भी कितना पे होगा सर, मिनिमम अभी भी 12,000 ही पे होगा। क्या यहां तक समझा गया बेटा, यस और नो? यस सर। नाउ आगे बढ़ते हैं, 2000 बात करते हैं 18 की। 2018 में क्या हुआ सर, ध्यान से समझिए, 2018 में आप लोगों को रॉयल्टी आया 20,000 का। ध्यान से बेटा, ये रॉयल्टी कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉयल्टी कितना आया 20,000, आपको कितना मिनिमम रेंट देना है 12,000 रुपया। अब बताओ बल्ले बल्ले, यही पे यहाँ पे भी होगी, आपने कितना कमाया सर, आपने कितना कमाया सर, सर हमने तो कमाया 20, कितना देना है सर 12, कितना एक्सेस बचा सर 8,000। तो सर जब 8,000 बचता है तो क्या हम ये इसमें से कोई लॉस रहा तो रिकवर कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, रिकवर कर सकते हैं। कितना रिकवर बाकी है सर, जरा जाइए टेबल पे, 7,000 में से कितना रिकवर हो चुका है, 3,000 रिकवर हो चुका है, कितना बाकी है, 7,000 में से 3 के 4,000 लॉस बाकी है, और ये 2,000, समझ में आ रहा क्या, 7 में से मैंने ये 3,000 का लॉस रिकवर कर लिया, तो 4 वहां का और 2 यहाँ का, 6,000 लॉस अभी भी रिकवर हो सकता है क्या सर? हाँ हो सकता है, क्योंकि कितना अमाउंट बचा है, 8,000 एक्सेस बचा है, और तुमको अगर 6,000 का बचा हुआ लॉस रिकवर करना है तो आप ये 6,000 का लॉस क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, जरा गौर से देखना इस चीज को, आप लोगों ने सफर कितना किया था, 7 और 2 9, और रिकवर भी कितना हो रहा है, 3 और 6 9, पूरा रिकवर हो गया। लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ पे अमाउंट आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी 14,000 रुपए दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे सर हमारे मन में डाउट है, मिनिमम रेंट तो 12,000 बोला, फिर ये 14 क्यों आ गया? बेटा मिनिमम की बात है, मैक्सिमम तो तुम करोड़ रुपया दे दो, हम तो लेने से मना नहीं करेंगे। तो जिस दिन अगर आपका ज्यादा पैसा आ गया तो आपने पूरा का पूरा ज्यादा हमको भी दे देना है करके, तो यहाँ पे आपको हमने रिकवर का चांस दिया। आपने 8,000 में से कितना रिकवर किया, 6,000, फिर भी कितना बच गया 2,000, तो ये 2 और मिनिमम रेंट का 12, तो आप हमें जितना बचा है वो प्लस मिनिमम 14,000 रुपए आप बी लिमिटेड को दोगे, बाकी कुछ कहना नहीं सर, जो बचा वो हमको देना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे आपका आया था कितना सर, ध्यान दो, 20,000, देना था मिनिमम 12, तो 8 अभी भी एक्सेस था। उन्होंने कहा एक्सेस हुआ ना, कितना रिकवर कर सकते हैं सर, 6 ही करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 पहले कर लिया था। ओके, कितना बच गया अभी, 20 में से 6 रिकवर किया तो 14, तो 14 का 14 बोले मिनिमम तो 12, अरे मिनिमम 12 है भाई, कम से कम, ज्यादा का कुछ लिमिट बोला नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पेबल में,
14,000 रुपया आ जाएगा। बेटा यहाँ तक समझा क्या तुमको, 14,000 क्यों आया? वैसे ही मालिक, अब लास्ट ईयर की बात करते 2019 की, आपको मिनिमम रेंट कितना मिला, मतलब रॉयल्टी कितना मिला? 25। मिनिमम रेंट कितना देना है? 12। यहाँ पे भी बल्ले बल्ले सर, देखो आप लोगों को 25,000 रुपया आया है, देना कितना है? 12। कितना एक्सेस हुआ सर बताओ? करीब करीब यहाँ पे लिखता हूं मैं आंसर, 13,000 रुपया एक्सेस हो गया सर। लेकिन ना तो सफर है ना तो रिकवर्ड है सर, मिनिमम का लिमिट था, मैक्सिमम का कोई लिमिट है ही नहीं, तो पूरा का पूरा सिर्फ 12 नहीं देंगे, अमाउंट पेएबल में कितना अमाउंट देना पड़ेगा सर? 25,000 रुपया यहाँ पे बी के कॉलम में जाएगा। और ये रहा आप लोगों का ये 25,000। सर आपको कंफ्यूजन होगा तो यही पे होगा, सर ये 14,000 और 25,000 क्यों हमने ला दिए? आपने तो बोला था मिनिमम 12 देना है। बेटा मिनिमम का कॉलम, आप लोगों को जब जनरल एंट्री पास करनी है तो जनरल एंट्री पास करते वक्त ये चार कॉलम के तो कोई अमाउंट मायने नहीं रखेंगे। मायने कौन से कॉलम के अमाउंट रखेंगे सर? यहाँ पे पूरा गेम आपका घूमेगा जनरल एंट्री के अमाउंट का बेटा। और यहाँ पे दो अमाउंट 14,000 और 25,000 कैसी है? ना तो सफर है ना तो रिकवर्ड है, जितना एक्सेस कमाया पूरा का पूरा दे दो। और सर और मैडम यही पूरा टेबल आप लोगों के सामने ये रहा जो ऑलरेडी बना के दिया है आपके आंसर में। आप देखो ये सारी चीजें सिमिलर है सर, आपने क्या बनाया? 7,000 सफर, 2,000 सफर, 3,000 रिकवर, 6,000 रिकवर, और जब कुछ नहीं था ये देखो 14 और 25। इसका मैंने आपको वहां पे आंसर दे दिया है, एक बार वापस से सारे लेक्चर को देख लीजिएगा। एक बार वर्किंग नोट हो गई तो सर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक सम देखो तो पूरा कंप्लीट कर लो। वर्किंग नोट डन, अब मैं जनरल इंटरव्यू बताऊंगा। 2 मिनट का पानी पीने का ब्रेक ले लो सर, वर्किंग नोट समझ लो वापस एक बार, क्या चीज थी कैसे थी आपको समझा क्या? जिनको यहाँ पे दिक्कत है 14,000 में, मैंने आपको बताया सर एक्सेस आपने 20,000 कमाया, देना था 12, तो कितना एक्स्ट्रा बच गया था? 8,000। लेकिन दोस्तों आप रिकवर कितना कर सकते हो? क्योंकि 7 और 2, 9 में से ऑलरेडी 3 रिकवर हो चुका है, तो 6 ही बाकी है, तो 6 ही रिकवर करेंगे, तो बच कितना गया? 20 में से 6 रिकवर हो गया, तो 14 बच रहा है, तो 14 का 14 दे दो, यहाँ पे 25 का 25 दे दो, कुछ नहीं करना है तो खत्म। ये ऑल पे कुछ मत जाओ, कंफ्यूज मत होना। वर्किंग नोट समझा एवरीबडी? यस और नो? छोड़ो, 1 मिनट का पानी पी लो, ब्रेक ले लो पानी पीने का, और फिर जनरल एंट्री पे आएंगे फटाफट। ओके, सो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप आपने ब्रेक ले लिया होगा अच्छा खासा। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। अब हम लोग, आपके पास भी जनरल एंट्रीज हो गए राइट, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, आप प्लीज वहां पे जाइए देखिए। मैं हर एक जनरल एंट्री का आपको लॉजिक बता देता हूँ कि अमाउंट वहां पे आया कैसे है, आप कैसे आप वहां पे अमाउंट ला सकते हो, ये सारी चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सब लोग अब जल्द से जल्द नोटबुक ले ले, टेक्स्ट बुक ले ले, और अमाउंट कैसे आई क्या आई देखना शुरू कर। देखिए सर और मैडम, हर साल कितने जनरल एंट्री दे? 3 जनरल एंट्री, 2015 1, 2 और क्या सर? 3। पहली बात तो ये सर, पहला जनरल एंट्री क्या है? आप अकाउंट में रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट कितना पे करना है सर आपको? 5,000। शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट कितना भाई शॉर्ट वर्किंग हो गया? 7,000। अब ये अमाउंट कहाँ से आ रही है सर? उन्होंने तो क्वेश्चन यही दिया था, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बेटा यही है। क्या इस क्वेश्चन में देख के हमको समझ में आ रहा है कि 7,000 क्या शॉर्ट वर्किंग है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये समझ जाएगा रॉयल्टी 5,000 आए, लेकिन शॉर्ट वर्किंग का क्या, रिकवर्ड का क्या? तो जर्नल एंट्री हो ही नहीं सकती जब तक आप क्या नहीं बना लेते, वर्किंग नोट नहीं बना लेते। समझ में आ रहा है बेटा? Everyone, yes or no? हाँ, तो सर इसीलिए इन टेबल का इंपॉर्टेंस है। अब इस टेबल में मुझे क्लियर दिख रहा है 2015 में रॉयल्टी आया था 5,000 रुपया और शॉर्ट वर्किंग कितना था? 7,000 रुपए का शॉर्ट वर्किंग था, लेकिन मिनिमम बी लिमिटेड को कितना पैसा देना था? 12,000 तो देना ही था करके। पेबल कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जनरल एंट्री में आप गौर कीजिएगा 2B लिमिटेड। अब जनरल एंट्री में कैसे समझा सर बी लिमिटेड ही आया? क्योंकि आपने किसके बुक में आप एंट्री कर रहे हो, यहां से देखिए, आप एंट्री कर रहे हो इन द बुक्स ऑफ ए, मतलब लेसी, और लेसी को किससे पैसा देना है? बी लिमिटेड को, तो मेरा क्रेडिटर हो गया ना, क्योंकि पहला एंट्री हम किसका कर रहे हैं पता है? बीइंग रॉयल्टी पेएबल एट 10 per ton सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट इज 12,000, तो ये पेएबल का एंट्री है, अभी तक पेड नहीं हुआ, पेएबल का एंट्री कर रहे हैं, तो ड्यू का एंट्री कर रहे हैं। इन शॉर्ट में बोलू, यहाँ पे आप लिख लेना, ये पहला एंट्री है ड्यू का। ड्यू मतलब क्या? अभी तक आपने वो पैसा नहीं दिया है करके, या देना बाकी है। पहला सम समझा,
पहला एंट्री समझा लॉजिक, वापस बोल रहा हूँ सर, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। ये शॉर्ट वर्किंग क्यों लिखा सर? सफर्ड की जगह पे याद रखना, मतलब आप कौन से शॉर्ट वर्किंग के कॉलम से ले रहे हो ना बेटा, क्या सफर्ड, तो यहाँ पे सफर्ड ना लेते हो, आपने किसको डेबिट दिया? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 7000 टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को क्यों क्रेडिट दिया? क्योंकि उन्हें देना है, वो पार्टी है सर, क्रेडिटर है अपना, तो 12000 मिनिमम 12000 रुपया देना है। क्या पहला एंट्री समझा? क्या मेरे साथ ही एंट्री कर लो सर, क्योंकि आप लोगों को मे बी आपके बुक में वो सम बहुत बहुत सारे जनरल एंट्री दिख रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल भी डरो मत, बहुत ही सिंपल चीज है। पहला एंट्री समझो आपको, 31 दिसंबर 2015 का, बोलो मेरे साथ, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। रॉयल्टी में अमाउंट कहाँ से आया, वापस पूछ रहा हूं मैं सर। रॉयल्टी में अमाउंट जो हमने कैलकुलेशन किया था 5000। शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट कहाँ से आया, जो हमने सफर्ड लॉस हुआ था सर, डेबिट दे दो। और कितना पेएबल है सर? 12000। पहला एंट्री डन, एवरीबॉडी बोलो मेरे साथ, क्या था? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, अगर लॉस है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, जो जितना पैसा देना है पार्टी को, बी लिमिटेड। चलो दूसरा एंट्री, पैसा दे दो। दे दो मतलब क्या सर, याद रखना, पैसा दे दिया मतलब क्या एंट्री होगा? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग मिनिमम रेंट पेड टू बी। पहला एंट्री हुआ ड्यू का, ड्यू मतलब पेएबल, और दूसरा एंट्री हुआ पेमेंट का, पेमेंट मतलब अभी आपने यहाँ पे पेड कर दिया, पेड कर दिया। अब पेड कर दिया मतलब क्या सर, एंट्री क्या होगा? बी लिमिटेड टू बैंक। तो दूसरे एंट्री में लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है। बी लिमिटेड इज पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, और बैंक सर कैश की जगह मैंने बैंक लिखा हुआ, याद रखना। आप बोलोगे बैंक ही क्यों, वेदर में कैश लिखू तो यहाँ पे भाई चेक से पेमेंट है समझो, तो टू बैंक आया, बी लिमिटेड टू बैंक। और कितना पैसा देना था? 12000 देना था, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और तीसरा एंट्री बेटा याद रखना, जो भी रॉयल्टी यहाँ पे हमको मिलेगी, कितना रॉयल्टी बेटा? 5000, अमाउंट भी देख लेना यहाँ पे, वो हम ट्रांसफर कर देंगे, मतलब मिलेगी मतलब जो देनी है वो हम ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका एंट्री कैसे होगा? इसका एंट्री ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, रॉयल्टी को हमने ट्रांसफर कर दिया, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात है सर, वेरी इंपॉर्टेंट कि अमाउंट कितना आएगा? 5000 और 5000। क्यों 5000 आया सर? रॉयल्टी मिला कितना था आप देखो, 5000, तो जितना आया उतना हमने क्या कर दिया, पी एंड, मतलब जितना देना है उतना हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। बेटा ये तीन एंट्री समझे आपको, तो मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखूँ, आप मुझे सपोर्ट करोगे सर। अगर आपको एक ही सम में जनरल एंट्री समझना है तो इन द बुक्स ऑफ लेसी। पहला एंट्री क्या होता है सर? पहला एंट्री ड्यू का होता है, ड्यू मतलब अभी तक देना बाकी है। दूसरा एंट्री क्या होता है सर, लिख लो। दूसरा एंट्री पेमेंट का होता है, कि आपने रॉयल्टी क्या कर दिया, पे कर दिया, लिख लो सर पेमेंट का। और तीसरा एंट्री क्या होता है सर? तीसरा एंट्री आप रॉयल्टी को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, लिख लो वहां पे, ट्रांसफर करते हो। इधर ट्रांसफर करते हो सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ड्यू का एंट्री क्या होता है सर? ड्यू का एंट्री क्या देना है आपको? रॉयल्टी देना है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, लिख लो डेबिट। अगर सर कम आया, शॉर्ट वर्किंग भी रहा, मतलब लॉस रहा, तो शॉर्ट वर्किंग को भी क्या दे दोगे? डेबिट। ये पहले एंट्री की लॉजिक में वापस दूसरी बार दिखा रहा हूं, डेबिट। और सर ड्यू है तो किसे देना है? टू बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड, याद रखना। बी लिमिटेड को क्या आ गया बेटा? क्रेडिट। अब अमाउंट क्या है सर? अमाउंट में कौन सा कॉलम याद रखोगे वर्किंग नोट का? याद रखना वर्किंग नोट का, ये जो अमाउंट पेएबल है ना बेटा, ये वाला जरूरी है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे जाके आपको 14000 और 25000 भी तो लेने हैं, नहीं तो आप बोलोगे मिनिमम रेंट का सर ये कंसिडर करेगा, तो ये कंसिडर मत करना, आगे आपको बताऊंगा सारा ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में, भले एक घंटे का हो जाए लेकिन हम पूरा पहला सम कंप्लीट करके ही खत्म करेंगे सर, ठीक है? यस सर, समझा आपको 12000 का बेटा? एवरीवन पक्का समझा है क्या था? यस सर। तो एंट्री का सर लॉजिक हमको समझा कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा जरा बताना, आपने बनाया था 5000, शॉर्ट वर्किंग कितना था? 7000, और दोनों का टोटल भी देख लो 12000। पेड का एंट्री तो एकदम सिंपल है सर, ये तो आपको पांचों के पांच साल में ये वाले एंट्री में दिक्कत ही नहीं है, मतलब इसके मार्क्स तो मिल ही जाएगा आपको। पेमेंट का एंट्री क्या रहेगा जरा बताना? बी लिमिटेड, किसको देना है भी? बी लिमिटेड इज द डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू क्या? बैंक, टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया? जितना ड्यू था सर, तो 12000 पे कर दिया। ये दूसरा एंट्री समझा पेमेंट का? एवरीबडी यस और नो? यस। तीसरा एंट्री ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर किया? रॉयल्टी। कहाँ ट्रांसफर किया? पी एंड एल। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट दे दोगे, और रॉयल्टी किसे दोगे? क्रेडिट किसे दोगे? टू रॉयल्टी अकाउंट। और मेरे भाई और बहनों,
कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ऊपर कितना अमाउंट का डेबिट दिया था रॉयल्टी को, 5,000, तो यहाँ पे भी 5,000 ट्रांसफर कर दो बस। क्या 2015 के एंट्री समझे क्या? ड्यू पेड और ट्रांसफर, एवरीबॉडी यस और नो? ड्यू पेमेंट और ट्रांसफर, याद रखना क्या है सर? DPR, शॉर्ट फॉर्म याद रखो, क्या DPR, ड्यू सॉरी ट्रांसफर, DPT लिखते हैं, DPT, ड्यू पेमेंट एंड ट्रांसफर, DPT, ड्यू पेमेंट एंड ट्रांसफर, DPT, ड्यू पेमेंट एंड ट्रांसफर। 2015 के एंट्रीज डन, यस सर। मेरे भाई और बहनों आ जाओ 2016 पे, मालिक 2016 में भी हम यही करेंगे, ये हमारा वर्किंग नोट है सर 2016 का। बताइए रॉयल्टी कितना आया था? 10,000। ओके सर, शॉर्ट वर्किंग सफर्ड कितना है? 2000। मिनिमम पेएबल कितना है? 12,000। ड्यू का एंट्री बताना तो क्या आएगा सर? आप बिल्कुल ही सही हो दोस्तों, आप बराबर बोल रहे हो। रॉयल्टी अकाउंट जितना आया, कितना अमाउंट आया था? 10,000 डेबिट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सफर्ड कितना सर? 2,000 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। टू बी लिमिटेड कितना देना है सर? हमने देखा ना, मैंने कहा था कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉलम ये है, तो आप देखो यहाँ पे देना ही कितना है, 12,000 देना है सर। तो बी लिमिटेड को पेएबल 12,000 है, तो क्रेडिट भी बी लिमिटेड को कितना जाएगा? 12,000 का बींग अमाउंट क्या है बेटा? पेएबल और नरेशन तो आ जाएगा। 2016 का पहला एंट्री ड्यू, हमारा गाना क्या था? DPT, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर। ड्यू का एंट्री हो गया, पेमेंट का एंट्री क्या रहेगा? सिंपल, डेट वही लिखो, 31/12/2016। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना पे करना है? पे कर दिया 12,000। टू बैंक अकाउंट कितना? 12,000 बीइंग मिनिमम रेट पेड। DPT, ड्यू का एंट्री हो गया, पेमेंट का एंट्री हो गया। टी फॉर ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करेंगे? रॉयल्टी को। तो बताना 31/12/2016 को कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे मालिक? हम लोग ट्रांसफर कर देंगे सर, कितना अमाउंट? हम लोग पूरा का पूरा जितना रॉयल्टी मिला था भाई, कितना मिला था रॉयल्टी? अब ध्यान से देखिए, रॉयल्टी 10,000 मिला था, 10,000 ट्रांसफर कर देंगे। कहां से सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, कितना? 10,000 और 10,000। मेरे दोस्तों अभी भी आपको ऐसे लग रहा होगा कि अरे सर हमको बताओ ना जरा कि ये अमाउंट कैसे आ रहे हैं, तो आप भगवान नहीं हो, आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए वर्किंग नोट पे। ये वर्किंग नोट का सहारा लेके मैं कर रहा हूं सर, मुझे समझा कि रॉयल्टी कितना आया था? 10,000 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ? 2,000 सफर था, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। टू मिनिमम रेंट कितना देना है? 12, किसको? बी लिमिटेड को, तो पहला एंट्री ड्यू का हो गया। पेमेंट तो सिंपल है, जितना देना है दे दो, 12 ड्यू था पेमेंट कर दो, और ट्रांसफर तो जितना रॉयल्टी आया, तो 10,000 अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। क्या 2016 का भी डन हो गया? यस सर। देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो बातें कल तक आपको शायद लग रहा होगा कि बाउंसर जा रहा है, आज वो दिमाग में जा रहा है, आप कितने होशियार हो भाई और बहनों, समझ में आ रहा है क्या आपको? यस और नो? यस सर। मेरे मालिक आपके टेक्स्ट बुक में गलती है, ये 2016 नहीं है, ये 2017 है, तो दोस्तों ये करेक्ट कर लो, इसकी वजह से शायद आप कंफ्यूज हो रहे थे। हर साल की 3 एंट्री है, तो 17 की भी 3 एंट्री है। DPT, ड्यू आपका पेमेंट और क्या? ट्रांसफर। एवरीबॉडी समझा कि नहीं समझा, बोलो यस और नो? तो ड्यू का एंट्री अब देखो बेटा ध्यान से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा संभल के, दूसरा सम भी करेंगे हम, जो रिटर्न ऑफ है वो भी करेंगे, लेकिन थोड़ा संभल के, यहाँ पे आप लोगों ने एक्सेस कमाया है और सफर्ड कोई लॉस नहीं, रिकवर सर गेन हुआ है, यहाँ पे हमने हमारा लॉस रिकवर कर लिया, लॉस रिकवर कर लिया। लेकिन आप जरा कॉलम में देखिए कितना देना है बी लिमिटेड को, 12। रॉयल्टी कितना आया देना है? रॉयल्टी कितना सर? 15,000। रिकवर कितना किया? 3,000। तो एंट्री क्या होगा इस केस में, ध्यान से समझिए, जब एक्सेस आ गया सर, सफर्ड नहीं रिकवर्ड आ गया सर, तो एंट्री क्या होगा? देखिए इसको ध्यान से देखिए, 17 की एंट्री को, तो बस खत्म हो जाएगा सर। जितना रॉयल्टी सर आपको देना है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 15,000। टू बी लिमिटेड, बी लिमिटेड को एक्चुअली देना कितना था? 12। और शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे रिकवर्ड है, तो गेन है सर, तो टू शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग को भी क्रेडिट गया सर। दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए कि शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट क्यों सर? क्योंकि आपको सफर्ड नहीं, यहाँ पे रिकवर्ड की बात है। और सर याद रखना, रॉयल्टी सर 15,000 डेबिट देने के बाद बी लिमिटेड को देना कितना है? 12। और रिकवर्ड कितना था? 3,000। तो जब भी रिकवर्ड होगा सर, तो उधर हम क्रेडिट में शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट देंगे। ये एंट्री खत्म। दूसरा पेमेंट का तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वापस बताऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा लेक्चर देखो। इसमें पहले सिंपल है वो देख लो, बी लिमिटेड टू बैंक कितना देना था सर? यहाँ पे देखिए 12 देना था, 12,000 दे दिया, बोलो यस और नो? समझा। फिर रॉयल्टी को क्या करते हैं हम? ट्रांसफर।
DPT, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर। ड्यू का एंट्री थोड़ा बहुत समझा, पेमेंट का तो पूरा ही समझा, ट्रांसफर का भी पूरा समझेगा, P&L टू रॉयल्टी, और कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना रॉयल्टी हमने पेमेंट किया सर, देना था 15,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है सर, कितना 15,000 और 15,000, डन। बेटा आपको दिक्कत सिर्फ यही पे हो सकता है, सर ये क्यों हमने ऐसा किया, रॉयल्टी को अभी हमने शॉर्ट वर्किंग को डेबिट क्यों नहीं दिया, बेटा जब सफर्ड था तब डेबिट है, जब रिकवर्ड है तो क्रेडिट है, सिंपल सी बात है मालिक, खत्म कर दो, और आपका ये डेबिट क्रेडिट तो मैच होना ही चाहिए, और हो भी गया। सर 2018 की बात करते हैं, जरा आप मुझे बता दो ये सेम रिकवर्ड का केस है तो क्या एंट्री बनेगा, जरा आप मुझे बता दो ड्यू का रॉयल्टी आया कितना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर, तो मैं अभी चलो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 20,000, आपने वर्किंग नोट कर लिया है सर, बी लिमिटेड को कितना देना है, 14,000, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 20,000, बी लिमिटेड को कितना देना है, 14,000, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 20,000 टू बी लिमिटेड 14,000, और ये 6,000 का क्या जाएगा सर, टू शॉर्ट वर्किंग 6,000, देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया क्योंकि रिकवर्ड है, तो शॉर्ट वर्किंग को क्या जाएगा सर, क्रेडिट 2018 में, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 20,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 6,000 टू बी लिमिटेड 14,000, अमाउंट आया कहां से, क्योंकि वर्किंग नोट बनाया, स्वाहा, समझ रहा क्या बेटा, एवरीबडी यस और नो, अरे हाँ या ना, हाँ सर करके समझ में आ रहा है थोड़ा सा, पहले तो सर हम देख ही रहे थे, अब तो भी समझ में आ रहा है, अच्छा होशियार हो आप। ड्यू पेमेंट ट्रांसफर DPT, पेमेंट का एंट्री सर कितना देना था, 14,000, बी लिमिटेड टू बैंक 14,000, बीइंग पेमेंट डन, ट्रांसफर में क्या करोगे जरा बताना, प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी कितना आया था सर, टेंशन मत लो, 20,000 आया, 20,000 ट्रांसफर कर दो, खत्म बात, 20,000 रॉयल्टी, मतलब 20,000 देना है, 20,000 ट्रांसफर कर दो, वो थोड़ा गलत हो रहा है लेकिन समझ का मतलब भावना होगा, और आपको ऐसे समझा तो ये समझ में आएगा सर, अभी बहुत ज्यादा कंसेप्ट में घुसा ना मैं तो आप बोलोगे नको सर, ये मतलब एक 40-45 मिनट का लेक्चर हो, लेकिन आप 1.52 की स्पीड पे भी देखोगे, खत्म सर, एक साथ जनरल एंट्री का विषय खत्म, पहले से अभी तो बहुत करने हैं आपको, और आपके मार्क्स डन हो जाएंगे मालिक, और कितना सिंपल है, DPT गाने का, DPT खत्म, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर ट्रांसफर का एंट्री तो खत्म है। 2019 की बात करते हैं सर, और 2019 में मेरे भाई और बहनों आ जाओ वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट में सर ना तो मेरा सफर है ना तो मेरा रिकवर्ड है, और रिटर्न ऑफ की तो बात छोड़ दो, ये अगले समय हम देखेंगे रिटर्न ऑफ का क्या करना है, लेकिन मेरे भाई आया कितना 25, देना भी कितना है 25, ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट था, तो एंट्री क्या होगा सर, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, ना शॉर्ट वर्किंग तो कोई संबंध है ही नहीं, दिख रहा है कुछ किधर नहीं सर, तो 2019 में सिंपल एंट्री आएगा सर, क्या एंट्री आएगा सर 2019 में, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, शॉर्ट वर्किंग का कुछ कहानी है ही नहीं, 25,000 हमारा ड्यू पेमेंट, बी लिमिटेड टू बैंक 25,000 और 25,000 अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस रॉयल्टी 25,000 डन सर, जितने भी मार्क्स हो गए 10, 12, 15 सबके सब आपको मिल जाएंगे, आपका पहला इलस्ट्रेशन विद आंसर मालिक डन हो गया, आई होप आपको अब ये समझा रहेगा, बोलो मेरे भाई और बहनों आपके दिमाग में गया क्या ये चीज, समझा क्या, बोलो यस और नो, थोड़ा बहुत दिमाग में गया क्या मालिक, एवरीवन यस और नो, समझा ना, आई होप आपको समझा ही रहेगा करके, तो ये सम वन था जिसमें मैंने आपको पहले वर्किंग नोट बताई, फिर जनरल एंट्री बताई, और जनरल एंट्री में अपना गाना एकदम इंपॉर्टेंट है, DPT, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर, ठीक है, अगर सफर था तो शॉर्ट वर्किंग को डेबिट देंगे, रिकवर्ड है तो शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट देंगे, और कुछ है ही नहीं तो फिर सर टेंशन ही नहीं, क्या रॉयल्टी टू, बोलो क्या, सीधा बी लिमिटेड, है ना, पेमेंट और ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं होगी सर, तो नाम के लिए था सर, और आप जाइए एक बार देखिए, सम नंबर वन डन हो गया, अपने सारे दोस्तों को आप भेज दीजिए, और SY बीकॉम में मालिक अपना अभी वापस अकाउंट के लेक्चर बहुत ही जल्द शुरू हो रहे हैं, तो आप कॉलेज रोड पे, अगर ये रहा अपना एड्रेस सर, देखो ये रहा अपना कॉन्टेक्ट नंबर, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो कॉलेज रोड पे SY में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी अकाउंट में रहेगी, क्योंकि अकाउंट एक ऐसा कंपनी अकाउंट बहुत ज्यादा है बेटा SY बीकॉम में, तो SY में अगर आप चाहते हो तो अभी मैं टोटल, मतलब ऑफलाइन वाले बच्चे भी देख रहे हैं अपने, तो अभी टोटल 30 वही बच्चों को लेंगे जो रेगुलर आने वाले है ना, तो इसीलिए आप अगर चाहते हो तो जल्द से जल्द पहले 30 को अपन लेके विषय खत्म करके उनको बहुत ज्यादा अच्छे से अभी सारी चीजें बतानी है, पहला सम आपका डन हो गया, ठीक है एवरीवन, चलो आपने लिख के किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया, थैंक यू सो मच, यहाँ पे मैं रुकता हूँ, अगला सम बहुत ही जल्द आपके सामने रहेगा, और लीजिंग चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, इनटेंजिबल्स में आपको इशू है नहीं, और पीए
एनपीओ मेरे जो प्लेलिस्ट है वो आप देखिए, 12वीं के पहले सम करो तो ऑलमोस्ट 12वीं जैसा ही कुछ सम जो रिसीट टू पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट टू इनकम एक्सपेंडिचर बनाने, वो सेम ही है और उसी टाइप का आया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी शायद ऑप्शन में ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।